अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और कहा है कि साथ बैठें, इलेक्शन की तारीख दें वरना असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। राना सनाउल्ला ने इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए आएँ बैठें। एक बड़ा पॉजिटिव यू टर्न कहा जा रहा है इसे। ज़िंदगी के सफ़र में ये सारा कुछ होता है, यू टर्न्स भी होते हैं, स्ट्रेट भी होता है, दाएं भी मुड़ता है बंदा, बाएं भी मुड़ता है, अंडर पासिस भी होते हैं, ओवरहेड्स भी होते हैं। सो ये यू टर्न क्या, खैर एनीवे चलो वे, ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके इमरान की ऑफर बहुत अच्छी है और राना सनाउल्ला का खैर मकदम भी बहुत खूबसूरत है। और ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, ये शेर सुने और समझें। एहतराम जंग बंदी का तकाजा था यही, मुझको अपने दुश्मनों का, ये तो हम वतन है आपस में, मुझको अपने दुश्मनों का राजदान बनना पड़ा। ये है ज़िंदगी, जंगों के अख्ताम देख लो आप, बड़ी बड़ी आलमी जंगों के देख लो, बैठना पड़ता है भाई। कई चीज़ें इस तरह की तय होती हैं जिनमें आप अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और बात करते, मुकालमा करते हो, कंक्लूड करते हो चीज़ों को, तो अच्छा है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव आपने कहा, ये ठीक कहा आपने कि पॉजिटिव पेशरफ्त आई। लेकिन हज़रत साहब, नून लीग वाले कहते हैं कि धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। वो यार साला कुछ साथ साथ चलता है, उनका उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेट एंड स्टिक क्या है, ये मुहावरा किसने बनाया, क्यों बनाया? मुहावरे जो हैं वो सदियों के इंसानी तजर्बात का निचोड़ होते हैं। कैरेट एंड स्टिक क्या है, ये दोनों काम चलते हैं साथ साथ, धमकियां भी मुज़ाकरात भी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, यकीनन इमरान खान की तरफ से एक दानिशमंदाना फैसला किया गया है और उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत इस पर संजीदगी का मुजाहरा करे। आगे बढ़ते हैं साहब, तज़िया निगारों का कहना है कि नून लीग की मकबूलियत में खासी कमी हुई है, नवाज शरीफ के लिए वापस आना ज़रूरी है। यार ये पहली बात तो ये है कि जिला वतनी और चीज़ है, मफरूरी और चीज़ है, एब्सकॉन्डर है, एक आदमी जिला वतन है, दूरी से मकबूलियत में इजाफे होते हैं, याद रखना। बहुत ज्यादा कुर्बत, उसको ब्रेक देना चाहिए जिंदगी में, दूरियां जो है ना, देखो इमाम खुमैनी की इससे बढ़ के मिसाल हो सकती है। उन्होंने धक्के मार के निकाल मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया शाह ईरान को, उनकी देखो उनकी जिला वतनी थी, वो एक बड़ा आदमी था, मकबूलियत कम कैसे होती है जी, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही बात। इनकी मकबूलियत नहीं है, इनका एक पैर के नीचे बटेरा आया हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट जो भी कहते हैं, अच्छा वो जो पंजाबी में कहते हैं हाथ पुआना, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान को ते भावें वो हाथ पुआया हो, ये तो पैदावार ही उनकी है। तो एक इन पे फेज आया था, अच्छा था, इन्होंने काफ़ी अपना ठीक उसको यूटिलाइज किया है पाकिस्तान को, तो अब क्या मकबूलियत है? आ भी जाएं, मैं कई बार कह चुका हूं इनका ब्लफ कॉल हो जाएगा, सारी औकात सामने आ जाएगी। गुब्बारा है अब जिसमें सिर्फ एक पिन की कसर है, वो मुल्क में तशरीफ लाए तो पता लग जाएगा किस भाव बिकती है। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक फुट नोट लगाता हूं, इस्तकबाल पे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे ताकि इससे इनकी ना कोई को फिजा बने तो फलाना, लेकिन नवाज शरीफ फिराज गॉन, अच्छा फिनिश्ड। तो ये कि जी वो आ जाए तो कुछ हो जाएगा, आई डोंट बिलीव, बाकी को मुजा हो जाए तो मैं ठीक है, कोई नहीं कर रहा, मेरा असेसमेंट है दे आर गॉन, इट इज द मेल्टिंग फोर्स जो आधे से ज्यादा मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी तरफ हज़रत साहब, जरदारी का नून लीग को असम्बलियां तहलील होने से रोकने का मशवरा दिया गया। देखें मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में जो सबसे शरूड, और ये बात मैं कोई गलत मानों में नहीं कर रहा, जहीन जिसे कहते हैं ना, सयाना आदमी जो है, हम पंजाब में हमारे शुजात साहब बहुत उनमें एक ख़ास तरह की विजडम है, इसी तरह की ये चूँकि ट्राइबल आदमी, ट्राइबल विजडम भी कमाल चीज़ होती है, तो जरदारी ने बिल्कुल इनको ठीक मशवरा दिया। ठीक हो गया, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक स्टेटमेंट दी है कि रूस ने हुकूमत से डील ना करने का फैसला कर लिया है। भाई हुकूमत हो तो डील करे ना कोई, ये उन्होंने जो बात की है ये थोड़ी सी लंगड़ी सी बात है, लंगड़ी इस तरह है कि ये हुकूमत है नहीं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा एक अरेंजमेंट कह सकते हो,
क्या मतलब इनकी टोटल कमाई क्या है कि इनके केसेस वगैरह ये वो सीधे पदरे हो जाएंगे, और क्या है ये हुकूमत है इस्लामाबाद तक महदूद, ये हुकूमत है, वो तो इतना बड़ा मुल्क है जिसकी शौकत है इन साहब बात कर रहे हैं, इनके साथ को ठटपूंगा मुल्क इस फेज में कम अज़ कम। मैं ये नहीं कर रहा कि ये इनकी वजह से जो हालात हैं जो सिचुएशन है, दुनिया पागल है, उनको नहीं पता कि ये इमरान के एक झटके की मार नहीं होने, इलेक्शन हुए, इलेक्शन आज नहीं तो कल होने ही होने हैं, और अब तक इन लोगों ने जो डिलीवर किया है, जैसे किया है, जो कुछ ये कर रहे हैं, वो सारा सबके सामने है। तो रशाद हो मतलब वो तो माइट है भाई, ये तो एमी को लल्लू पंजू मुल्क जो है वो भी इनके साथ इस ट्रांजिट में है, ये एक अरेंजमेंट है, मैं तो इसको हुकूमत समझता नहीं हूँ। एहसन इकबाल ने एक निजी यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि हम 75 साल में इसलिए पीछे रह गए कि करप्ट ज्यादा हैं और इसलिए तरक्की नहीं कर सके कि नालायक ज्यादा हैं। लो जी, पहली दफा ये एहसन इकबाल ने कुछ चज की बात की। अच्छा, मुझे इस बंदे पे गुस्सा ज्यादा इसलिए चढ़ता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी, बहुत सारे जो नीम खांदा बोंगे टाइप होते हैं ना, वो जब उल्टियाँ सीधियाँ मारते हैं और ये जी जलसा नाकाम था तो जी लोग ही नहीं आए तो फलाना टमकाना मकबूलियत इमरान की होगी, सीधा आंखों में मट्टी झोंक रहे होते हैं, लोग इन पे हंसते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल जब इस तरह की फजूल को बातें करता था ना तो मुझे जाहिर है मैं इरीटेट होता था, लेकिन पहली दफ़ा बहुत काम की बात की है, प्रोफेसरों वाली बात की है, अपने कद के मुताबिक बात की है और 100% दुरुस्त बात की है। देखो, दुख मुझे किस बात पे, मुझे एहसन इकबाल की एक बात याद आई, कुछ चंद महीने पहले एहसन इकबाल ने कहा था कि करप्शन क्या है जी, करप्शन से कुछ नहीं होता, ये तो सारे मुल्कों में होती है। वही होती है, लेकिन यूं नहीं होती कि टॉप टू टो होती है, उसका लीकेज का पिलफरेज का एक परसेंटेज तय होता है, दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी वो होता है, घरों में भी वो गुंजाइश होती है, लीकेज पिलफरेज भाड़ा मोटा गोबत्ती बचे भूल गए मुलाजम काट रहे हैं सब्जियां मुलाजम आए वो आधा आधा वैसे चील के फेंके जा रही है, वो ठीक है होता है लीकेज पिलफरेज होती है जहां इंसान होगा, लेकिन करप्शन हमारे यहाँ तो वे ऑफ लाइफ है। सो बेसिकली बहुत अच्छी बात की है, और शायद चूंकि वो यूनिवर्सिटी में था जी, पार्लियामेंट का माहौल पोल्यूटेड सा होता है वहाँ, पता नहीं नीम खानदा से लोग ज़्यादा होते हैं इसलिए पता नहीं वहाँ ये उल्टी सीधी बात कर देता है, यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस होगा, एटमॉस्फेयर होगा, एक खास एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी बात की एहसन इकबाल, एतराफ करना चाहिए हम लोगों को, चूंकि अगर आप अपना मर्जी नहीं मान रहे तो आप मालिज के पास कैसे जाओगे, मालिज के पास नहीं जाओगे आपका इलाज कैसे होगा। बहरहाल बहुत वेरी वेल सेट, थैंक यू एहसन इकबाल, देर बाद को ढंग की बात की। ठीक है, हसन, पीटीआई की जरताज गुल ने मरियम नवाज को चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज कोई भी हलका चुन ले घर में घुसकर शिकस्त दूंगी। अच्छा, वैसे मेरा मशवरा है कि जोश जज्बात में मरियम इसका चैलेंज ना कबूल कर ले जरताज गुल का, जरताज गुल तो खैर खुद एक वर्कर है, मेहनती है, अच्छी है, जो भी है, लेकिन वो बुनियाद किस पे ये बढ़त मार रही है, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के, चूंकि वो मतलब काम करने वाली ये खातून है, शी बहुत सरगर्म एक सियासी वर्कर है, शी एग्जैक्टली नोज द पल्स, वो इमरान की मकबूलियत के बलबूते पे बात कर रही है और उसकी मकबूलियत अपनी हाइट पे है। बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूं, इस दावत को या इस चैलेंज को, वो ऐसे है कि एक हाथी और चूहा वो पुल से गुजर रहे थे, लकड़ी का पुल था, वो कांप रहा था, तो चूहा पीछे से भागा, हाथी के कान में घुसा और कहा, देखो तेरे मेरे बोझ से ये पुल कांप रहा है, तेरे मेरे बोझ से। ठीक है, तो सूरत हाल ऐसी है, लेकिन मरियम को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी और चांसेस उसी के ज़्यादा हैं। ठीक कर रही जी। ठीक है हसन, गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे में पीटीआई की खवातीन के बारे में बड़ी मायूब गुफ्तगू की, डॉक्टर यास्मीन राशि ने इस पर रद्दमल देते हुए कहा है खवातीन के बारे में इतनी नाजेबा गुफ्तगू की। अच्छा, मैं मेरा पहला रिएक्शन, आपको पता है मेरे पास सेलफोन नहीं होता, आपको पता है मैं टेक्नोलॉजी पोअर आदमी, मुझे कब पता नहीं, टी वी शी भी यू नो एवरीथिंग,
मुझे जब किसी ने यास्मीन राशिद का ये बताया जुमला, तो मुझे झटका भी लगा, अफसोस भी हुआ कि यार ये ख़ानदानी खातून है, इनके ससुर के साथ मेरे बहुत मतलब ग़ुलाम नबी साहब, शायद नबी इनके जो देवर हैं उनके साथ, मेरा तो मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह, तो एक बावकार खातून है। मैंने कहा कैसे इतनी कमज़ोर और नापसंदीदा बात की। उस बंदे ने जब मुझे बताया कि फजलुर रहमान ने क्या कहा, आई वॉज शॉक्ड, यकीन नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा किधर है ये, टीवी पे भी चला है ये फलाना? उसने कहा नहीं, सोशल मीडिया जी। अच्छा, वो बात ऐसी है मैं दोहरा नहीं सकता, तो उसकी वजह है हमारे बहू बहनें बेटियां बच्चियां यंगस्टर्स बच्चे हों बेशक, वो मुझे बात दोहराते हुए शर्म आ रही है। सो वो जानने के बाद तो मेरा रिवर्स में चला गया सारा रद्द अमल, और मैं जेन्युइनली कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकता हूँ कि यास्मीन राशिद ने जो जिस तरह रिएक्ट किया है वो काबिल फहम है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो मौलाना ने बात की मैं हैरान हूँ, हालांकि वो इस तरह के आदमी नहीं है, मैं नहीं उनको जानता, उनके बारे में जो सुना है मोहम्मद अली दुरानी या कपल ऑफ अदर पीपल जो उनको जानते हैं, मैं नहीं जानता, तो पता नहीं किस वहशत में, किस गुस्से, किस जुनून में, लेकिन उसमें भी बंदा है इस तरह की बात नहीं करता जो उनसे मंसूब की गई है। जी ठीक हो गया साहब। सिराजुल हक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि हुक्मरानों की लड़ाई में मुल्क 100 साल पीछे चला गया। अब पाकिस्तान की आप बात करेंगे जी, मुल्क पीछे चला गया, ओ भाई कभी गौर तो करो, पूरा आलम इस्लाम सदियों पीछे जा चुका है, उन मानों में पीछे जाने के मानों में। बाकी तो मेरा बस चले, मैं इनको ले जाऊं हजरत उमर के जमाने में, मैं रिवर्स में जा रहे हैं या कहीं गोल गोल घूम रहे हैं मुसलमान, पूरा आलम इस्लाम। आप कह रहे हैं 100 साल, आप तो 1000 साल पीछे जा चुके हो भाई। मैं वही बात पहले किसी और हवाले से कर रहा था कि अपने अमराज की जिन्नी फिक्री इंटेलेक्चुअल जो अमराज हैं हमारे फिक्री, उनकी निशानदेही करें दयानतदारी से। मेरे जैसे 2-4 और बदतमीज साथ बैठा लें, वो आपको बताएंगे, पग खोल के रख देंगे सारा कुछ। और अगर बात को समझ में आ जाए तो फिर उसका उपाय करो भाई। ये पिदरम सुल्तान बूझ वाला रवैया है ना जो आपका, ये मेरी अकल से बाहर है, ये नहीं चलना। हम फलानों के वारिस हैं, क्या तो तुम क्या हो, वारिस तो तुम बहुत वाकई कायनात की हसीन तरीन हस्ती के तुम वारिस हो या क्लेम करते हो, चलो पर तुम क्या हो। चलो मेरी बात वो तो मट्टी डालो। अल्लामा इकबाल की एक खास हिस्सा, मैं अल्लामा इकबाल साहब के बारे में मेरा एक अपना ओपिनियन है, मैं उनकी कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा मद्दा हूँ, कुछ का मुझे मेरी समझ में नहीं आता। दश्तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, ओ भाई अब वो नहीं छोड़ रहे, ये क्या बात हुई। लेकिन बहरहाल उनका पढ़ लें, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका, सजदे देने का नाम तो नमाज नहीं है ना भाई। चलो बिल्कुल जी। हिना रबानी खर ने गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान का दौरा किया और इस दौरे को बहुत मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर खबरें थी कि अफगान वजीर दिफा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खातून थी और उनके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल पर्दानी किया हुआ था। यार पता नहीं क्या अभी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क की एक वजीर खारजा या पता नहीं स्टेट मिनिस्टर है, ये पूरी उम्मीद ये भी जाती कहाँ है अफगानिस्तान, उनके दरमियान ये होता है तो उसकी क्या दुनिया, ग्लोबल जो सारा नक्शा सामने रखो, वहाँ हम कहाँ खड़े हैं, अफगानिस्तान कौन है, हमारी ओवरऑल जो एक एक ग्लोबल विलेज में हमारा हमारी हैसियत क्या है। देखो ये अगर इस तरह हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था कहीं मिलने से इनकार, तफसीलात में गया मैं, इस तरह खबर पढ़ा नहीं करता, सुर्खी देख के आगे चलो। देखो दीन और चीज़ है, कल्चर अरब कल्चर और चीज़ है। दाढ़ी मसलन मौलाना मौदूदी का जुमला है, सुन लो बहुत मशहूर है, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अब कोई मंगोल हो, कोई चाइनीज़, कोई जापनीज़ इस्लाम कबूल कर ले, वो क्या वो दाढ़ी कहाँ से कबूल, जाली लगा ले वो,
उनके तो बाल ही नहीं होते दाढ़ी पे, वो चुगी सी दाढ़ी। ज़हीरुद्दीन बाबर की भी तस्वीरें बनती हैं, वो सारी जाली होती हैं, भरपूर दाढ़ी उसकी दिखाई जाती। नहीं, उसकी ठोड़ी पे चंद बाल थे। अब वो किधर से लाए दाढ़ी को? ये कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं, ये याद रखना। पटे भी जहाँ बहुत गर्मी होगी, और जो पटे रखते थे वो जापानीज भी, वो इसलिए कि पीछे से तलवार का भार होता था, गर्दन कटती नहीं है, टूट जाए मन का पामे, गर्दन कट नहीं सकती, तलवार रेशम नहीं काट सकती, रेशम की चादर मारो नहीं कटेगी, तो बाल इसलिए वक्त के साथ साथ। अच्छा, तुम इंग्लैंड जाओ, उनके म्यूजियम वगैरह में उनके बादशाहों की सारी वो लगी होती हैं पेंटिंग्स वगैरह, वो 90% की दाढ़ी, कार्ल मार्क्स। अच्छा, ये सारे तो अहले किताब हैं, ये इंग्लैंड वाले क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स की दाढ़ी थी बड़ी ज़बरदस्त, रॉस्पटीन की भी थी, ये क्या बात हुई? अच्छा, अब इसी तरह एक पूरा बैकग्राउंड है, प्रोग्राम हमारा इस तरह का है, वो नहीं सकते, वक्त के साथ रिवायात और सारा उसके तकाजे बदलते रहते हैं। एक ज़माने में औलाद बहुत ज़रूरी थी, और ख़ास तौर पे औलाद नरीना, क्यों? मसल का ज़माना था। अब 20 पुत्र हो नलायक, डांग सोटा जानते हो, टके की औकात नहीं, एक बेटा हो ज़रा ढंग का, सुभान अल्लाह, ये मसल का ज़माना था, वो ये अकल का। सो थिंग्स कीप चेंजिंग। एक ज़माने में, अब वेस्ट में हमारी बच्चियों के साथ बहुत बाज़ोकात ना बदतमीजी होती है, को बस से निकाल देता है, को ट्रेन से निकाल देता है, को जहाज़ से निकाल देता है। ओ भाई, तुम एक एवरेज उस तरह का बजाय इसके कि तुम पूरा वो ओढ़ उड़ के जो भी कहते हैं ये करके तुम जाओ उनमें मिक्स हो जाओ, ताकि कोई तुम्हें हर्ट ना करे, तुम्हारी बेइज्जती ना करे, तुम्हारे साथ ज्यादती ना करे, उन्हीं का हिस्सा बन के रहो। एक ज़माने में बहुत ज़रूरी था कि मुसलमान बच्ची अलग नजर आए। तुर्क ड्रामों में क्या होता है, क्यों ऑन करते हो इनको? ऑटोमंस, हमारा सबसे बड़ा प्राइड है, 620 साल यूरोप भी ठोक के इन्होंने हुकूमत की, 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की, उनकी तारीख है। और जब वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, अब उनके बारे में औरतों में क्या करोगे? ये जितनी भी ये दिखाते हैं, ये अपना अर्तगल और ये गाजी उस्मान वगैरह, उन औरतों के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो तलवारें लेके निकलती हैं, तो घुड़सवारी करती हैं, तो दुश्मनों का मुकाबला करती हैं, वो तो तीर भी खाती हैं, तलवार के जख्म भी उठाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, तो लेट देम पार्टिसिपेट। 51% पॉपुलेशन को अगर आपने उसमें मुअत्तल करना है तो करके देख लो, शौक पूरा करो। सो ये इस तरह की बातें जो हैं, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान ने कौन सा को मरीख फतह कर लिया है, बस ठीक है, उनका अपना कल्चर है हमारा। जी आगे चलते हैं। हसन साहब, अगली खबर नॉन पॉलिटिकल है और रिसर्च बेस्ड है। एक तहकीक के मुताबिक पंजाब के कई शहर दरख्तों के नामों से मंसूब है, जैसे ज़िला अटक का कस्बा जंड, शक्करगढ़ गन्ने की वाफर पैदावार और शक्कर की वजह से मशहूर है, लिया शहर की झाड़ियों की वजह से मशहूर है, उकाड़ा जो पहले ओका वाला कहलाता था, ओका के दरख्तों की। नहीं, लिया शहर लई नाम की एक झाड़ी है, उसकी वजह से मशहूर है। आसिफ महमूद की ये तहकीक बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ इस तरह के कामों का फुकदान है, इसलिए हमारे जैसे अजीब से समाज में इस तरह का काम कोई करे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इससे मेरा ध्यान किसी और तरफ गया है कि अगर हमारा जो असली रूप है आम, झूठ, बेईमानी, चोरी, रिश्वतस्तानी, मिलावट, ये वो सारा, तो अगर इन पे बस्तियों के नाम रखें तो हमारे यहाँ किस किस्म की बस्तियाँ होंगी? लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट, कृष्ण नगर नहीं, करप्शन नगर, वाह, झूठगढ़, गीबतपुर, क्या ख्याल है? कोट बेईमानी, कोट राधा कृष्ण नहीं, कोट बेईमानी, चोरीपुरा, डाकू नगर। अच्छा, अगर हुक्मरानों के करतूतों पर शहरों और बस्तियाँ बसाई जाएं तो शरीफ नगरी, मनी लॉन्ड्रिंगपुर, कजाक नगर, कमीशनपुरा, फिर क्या कहते हैं उसको, किकबैक आबाद, देलागढ़, कोट टीटियां मसलन, कैसा नाम रहेगा? हसन साहब, आपने तो लाजवाब कर दिया, पर मुझे अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने एक नवीद दिए कौम को कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसे बड़ी तरक्की नहीं कर ली हमने?
अच्छा अगर इसको तरक्की भी कहना है तो भाई ये तो लोगों की मेहनत है ना सारी, ये तो अवाम का काम है। आपने क्या किया है, आपने कौन सी तोप चलाई है? शर्मानी चाहिए किसी और मामलात में, कुछ चौथे पांचवें दूसरे तीसरे दसवें आठवें नंबर पे आओ, आबादी पे फख्र हो रहा है, सुभान अल्लाह। ठीक है हसन साहब, वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि सूद खत्म करने में 5 साल लगेंगे। देखो इसी तरह ये चौड़ होते होते इसे 5,000 साल पे ले जाएंगे, वो ये नहीं कर सकते। मैंने पहले भी अर्ज किया था ये ब्लफ है, ये ऐमी चीप पॉपुलैरिटी के लिए। कैसे करोगे भाई, तुम इस दुनिया का हिस्सा हो जिसको डिक्टेट कुछ और लोग करा रहे हैं, जिन्होंने इस दुनिया को वजा किया है, जिन्होंने इस दुनिया की कल्चरली और दूसरा साइंस के एतबार से, इल्म के एतबार से, ताकत के एतबार से जिन्होंने ये दुनिया कार्व की है, उनका सियासी निज़ाम आपके हल्क में फंसा हुआ है, काबिल इस हो नहीं, उठाए फिर रहे हो जमहूरियत, मालियाती निज़ाम उनका है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट? आई एम आप छितर नहीं डालेगा क्या? जिनसे आपने कर्जे कुर्जे लिए हुए हैं, मार्कअप कह लो कुछ कह लो, सूद का जो मर्जी नाम रख लो आप, घरों में जो आम घरों में जो बिल जाते हैं ड्यू डेट पे इतना है, उसके बाद इतना है, वो इतना क्या है, आप उसको जो मर्जी कह लो, है वो सूद। तो कर्जे भी उठाने हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्जे भी लेने हैं, सूद भी खत्म करना है, 5 साल में नहीं कर सकते? अगर इतना शौक है तो वर्ल्ड लीडर्स बनो, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम गालिब आओगे, जब गालिब आओगे तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर आप नाफिज कर लेना। फिलहाल तो आप ना 3 में ना 13 में, ना आगे ना पीछे। अच्छा वो दुनिया क्या है, अब रिसेंटली उन लोगों ने टमाटर के बीज खला में भेजे हैं अमेरिकन्स ने, आप लोगों ने अपनी फसलें नस्लें बर्बाद कर दी, आप लोगों ने अपनी जरखेज जमीन से भूख उगाई कैसे, गंदे खलीज पानी से सैराब करके। रोज चौथे दिन खबर होती है, हर चौथे दिन कि जी वो इतने एकड़ से सारी फसल जो है वो जाया कर दी गई। क्यों जाया कर दी गई? जहरीले केमिकल्स वाले पानी से सैराब करते हैं, आप भूख उगा रहे हो, वो खला में टमाटर उगा रहे हैं। तो किस मुंह से यार बातें करते हो, किन को बेवकूफ बना रहे तुम? कैसे करोगे सूद खत्म? हाँ पाकिस्तान उखाड़ के कोई टेक्नोलॉजी लाओ, कहीं मरीख मरूख पे जाके फिट कर दो, फिर तुम जानो तुम्हारा कल्चर जाने और तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर जाने। अभी नहीं, पहले अपने तय करे खाकी में जहां पैदा करो, बहादुरी और बुजदली के मयार बदल गए, 22 करोड़ का 22 करोड़ पाकिस्तानी टीपू सुल्तान बन जाए, ऊपर से एक बॉम्ब आएगा क्या करेगा टीपू सुल्तान? जमाने बदल गए, इन किस्सों कहानियों से निकलो, बिकॉज आज के तकाजों की बात करो, चूंकि तुम आज में जिंदा हो, तुम आज में मकरूज हो, तुम आज में बेहसीयते हो, तुम आज में बेओकाते हो, उधर 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 घुसते बाहर क्या? मुझे बताओ आप, दुनिया का दिलेर तरीन तारिक बिन ज़ियाद भी 22 करोड़ इकट्ठे कर लो, ऊपर से एक छोटा एक बिल्कुल लागर सा कुछ चपड़ कनातिया सा बैठा होगा, इस हाथ में उसके बर्गर पकड़ा होगा, एक बटन दबाएगा कहानी खत्म। तो पहुंचो ना वहां बैठे बिठाए, सूद खत्म कैसे खत्म, मुझे समझा भी दो ना। अगली खबर पे चलते हैं साहब, तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में कम से कम पासिंग मार्क्स 40% करने पर गौर किया जा रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट होगा तालीमी निज़ाम पर? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, फजूल घटिया बात। देखो एक डायरेक्टिव एक हिदायतनामा जारी करना ये कौन सा काम है? तुम 50% कर दो, पहले 33 था गालिबन उसको 30 कर दो, एक कागज है हिदायतनामा है उस पर दस्तखत कर देगा कोई सेक्रेटरी सूटी हो क्लर्क बैठा, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, अजीब और गरीब सी बातें करते हैं ऐसे करके कोई निकल देगा। कायदे आजम की तस्वीर की तोहीन होगी तो यूं होगा, और यूं होगी तो वो होगा, क्या है उस पर इतना जुर्माना इतनी सजा होगी, फिर क्या होगा? अरे उसकी रूट कॉज जड़ें देखो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। अब ये तुमने अगर कुछ करना है, अपने गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं अपनी औलादें भेजो उधर, अपने पोते नवासे नवासियां औलादें तो तुम्हारी अब माशाल्लाह खुद बड़ी खुद कफील हैं, उनके बच्चे उधर पढ़ाओ,
ये इंडिया में हो रहा है, उनको अपग्रेड करो, उनके असातिज़ा को अच्छी तनख्वाहें दो, और चपड़ गनाती है वहां भर्ती मत करो सिफारशी, क्वालिफाइड प्राइमरी आपकी बुनियाद होती है, वहां घटिया तरीन सिलसिला है सारे का सारा एजुकेशन का मायार। और तुम ये करोगे, दूसरी तरफ इम्तिहानी मराकज की नीलामी बंद करा दी है पहले, अंडर पेड टीचर जिसका घर नहीं चलता, जिससे अपने बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं, वो लोगों के बच्चे, कौम के बच्चे संभालेगा? ये पता नहीं किस किस्म की नौटंकी इस मुल्क में चल रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग उधर करो, 40 छोड़ो तो फिर 400% कर लो, जो मर्जी कर लो, बाकी कुछ भी नहीं, टोपी ड्रामा सारा, जैसे वो कायदे आजम की तस्वीर पे, वो कौन करेगा भी इस तरह? वो पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है, उसकी इहानत तुम करते हो, सब शाम यही कारोबार होता है। वो असेंबली के मोस्टली जो इजलास होते हैं वो क्या होते हैं वो? तो इसलिए छोड़ो, ये विले बैठ के मारते रहते क्या है, मुझे आज तक नहीं, वो नवाब शाह का नाम बेनजीराबाद, वो ये क्या है, खत लिखा हो गया लायलपुर फैसलाबाद, एक खत लिखा हो गया, दुर फटे मुंह है, कहीं फैसल को खराज तहसीन पेश करना है तो जाओ एक खूबसूरत शहर उस अपने मोहसिन के नाम पे बनाओ। बेनजीर भुट्टो को शहीद कहते हो आप, बिल्कुल ठीक, उसके नाम पे एक ऐसा खूबसूरत शहर आबाद करो कि लोग देखने आए, कुछ भी नहीं, एमी एक क्लर्क सा बैठा है, उसको साहब का ऊपर से साहब के साहब के साहब के साहब ने को कहा है चल नाम बदले था, उन्हें एक कागज दे साइन करते, अच्छा खासा नवाब शाह बेनजीर आबाद हो गया, अरसेने को वहां खत्म नहीं होता, पीने का पानी मुयसर नहीं है। ये ठग गए टोटल, रंगबाज जिसे कहते हैं ना हमारे पंजाब में, सही रंगबाजियां। ठीक है हजरत साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट, वेलकम बैक। हजरत साहब, सियासी पंडितों का कहना है कि भारत में अगला इलेक्शन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी के दरमियान होगा, आपकी अरविंद केजरीवाल पर एक खास नजर है, रोशनी डालिएगा। अच्छा देखो, बंदा इनकम टैक्स से आया, ब्यूरोक्रेसी पे लानत भेजी, 2013 में पहली बार चीफ मिनिस्टर, अब मेरा ख्याल थर्ड टर्म चल रही है। प्रॉब्लम ये है, हम जैसे मुल्कों में हम या खुद माफिया बनते हैं या किसी माफिया का हिस्सा बनते हैं। केजरीवाल की सक्सेस ये है, मैं तो उसे सलाम पेश करता हूं कि ना वो खुद माफिया बना ना किसी माफिया का हिस्सा बना, यहां तो सारे के सारे वही लोग हैं। और याद रखना, अल्लाह इस मगर मैं दुआ दे रहा हूं उसको सेहत जिंदगी की, चूंकि इंसानों पे मेर के लिए मेहरबान है, उनके लिए सोचता है करता है, ड्रामा नहीं करता। मैंने कहा ना 2 अरब का जहाज, उन्हें कहा दफा करो, मैंने क्या करना है, ये मेरे लोगों पे लगाओ, अरब वो फैलता जा रहा, अल्लाह करे मोदी जैसे बंदे से इसकी वजह से निजात मिले तो शायद पाक भारत तल्लुकात तक पे इसके असरात मुरतब हों। जी नेक्स्ट। हजरत साहब, भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी कोई नई बात नहीं है, इसकी हालिया मिसाल मेरे सामने है, अमरीकी कंपनी अमेजोन फूड का भारत में कारोबार बंद करने का ऐलान सामने आया, और वजह यह है कि मुस्लिम डिलीवरी बॉयज के हाथों से हिंदू खाना नहीं लेते। सारे हिंदू डेफिनेटली ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुमकिन है मेजॉरिटी हो, या मोदी के बाद ऐसे लोगों की तादाद कुछ बढ़ गई हो। तो ये अमेज़ॉन का ये जो फैसला है, ये ख़ास तरह की ज़हनियत के लोगों के मुंह पे सन्नाटेदार थप्पड़ है। जितनी ब्रांचें भारत में बंद होंगी उतना ही थप्पड़ समझो इनके मुँह पर। पता नहीं खुदा जाने ये किस किस्म की ज़हनियत है, सोच है, ब्लड ग्रुप एक है, जीने मरने का प्रोसेस एक है, भूख भी सबको लगती है, ऑक्सीजन भी सबकी रिक्वायरमेंट है, पता नहीं इनके अपने अंदर दलित मलित शूदर पता नहीं क्या क्या है। तो जाहिर है मुसलमानों के लिए सही, जो ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो मोदी की वो पॉलिसी रही है, चलें ठीक है। तो हजरत साहब, दूसरी तरफ अमरीका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले 12 मुल्कों में शामिल कर लिया, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं है, क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ, तजादात भी ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है एक सरकारी फैसला है, वो एक कंपनी का फैसला है, उनमें ज़ाहिर है उनकी प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी होती हैं, उनके अहदाफ उनके टारगेट्स अपने अपने होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी तरजीहात अपनी अपनी होती हैं, सो इसलिए तजाद कह लो आप।
खबरों के मुताबिक कुछ अरसे से चीन और रूस का रकबा बढ़ा है। चीन ने भारत के कुछ इलाकों को और रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों को जम किया है। हमारी सिर्फ आबादी बढ़ी है, इसकी क्या वजह है? नहीं देखो ना, उधर ये जिंदगी है, माइट इज राइट, जो मर्जी कर लो। कायनात का ये बुनियादी उसूल है, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये बाकी सारा बकवास ढकोसले हैं, दुनिया ने वो कर ली है। आप किसी ख़ास तरह के बच्चे को आप स्पेशल चाइल्ड कह देते हो तो उससे उसकी मादूरी तो ख़त्म नहीं हो जाती, या सिंगल पेरेंट चाइल्ड के भी इस तरह ये ढोंग हमने बहुत सारे बना लिए हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी, चीन ने चपेड़ मारी, इलाका छीन लिया, उधर रूस ने चपेड़ मारी, उसने वो छीन लिया। अब वहाँ बोलता कोई नहीं, बात कोई नहीं करता, चूँकि खौफ सदा है, बात आगे तक चली जाएगी। इधर चीन से चपेड़ खा के अपना इलाका देने वाला भारत, वो मजलूम निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म तोड़ रहा है, वो वहाँ अपनी ताकत आजमा रहा है। हर शेर पे सवा शेर है, इनका आमना सामना कभी हो जाएगा। और ये बात आपने की है आबादी की, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे मरियम निकी, छोटी मरियम जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रही है, पता नहीं क्या। बहरहाल आबादी देखो, ये नौबत वहाँ तक आ गई है। मैं 30 साल पहले लिखता था कि लोग इंसान इंसानों को खाएंगे, वो उसकी एक वजह है कि खाना इसी तरह नहीं होता जैसे भेड़िया भेड़ को खाता है, खाने के तरीके होते हैं, वो आजमाए जा रहे हैं, पीक पे जा रहा है कारोबारी जी। ठीक है, अगली खबर बड़ी दिलचस्प है साहब। भारतीय अदालत में केस चल रहा है कि चूहे 200 किलोग्राम चरस खा गए, क्या चूहे चरस खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं चूहे, अगर पूरा मुल्क की खजाना खा सकते हैं तो सिंध के गोदामों से टनों के हिसाब से गंदम खा सकते हैं, मोटरवे से कमीशन खा सकते हैं, तोशा खाने के तहाइफ खा सकते हैं। तो चरस बेचारी क्या बेचती है, और हम वो लोग हैं, देखो बात सुनो, हमारा तो मुहावरा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बहुत कुछ कहता है, इस मुहावरे पे गौर करो, ये इसका मतलब है सदियों से खास तरह का ना रवैया, ये चूहे चूहागिरी है, ये जो इस मुल्क में चल रही है। भारत में तो बेचारे वो मासूम से होंगे, वो 200 किलोग्राम चर्स पे ही चर्सी चूहे, आजकल वैसे पता नहीं कोई चर्सी पता नहीं तिक्का कोई इस तरह का भी लाहौर में भी चल रहा है बहुत, लेकिन ये जो आप चूहों वाली बात कर रहे हो, कर गए होंगे, नशे में होंगे, मौज कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, हम बहुत कुछ खा जाते हैं चूहे, ये तो सिर्फ क्या 200 किलोग्राम चर्सी जी। साहब, हमें अक्सर ये फीडबैक मिलता है कि ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें सियासत के साथ साथ दूसरे मौजूदात भी शामिल किए जाते हैं, अखलाकियात से लेकर मजहब, मईशत, तहजीब व तमद्दुन और तारीख जैसे मौजूदात शामिल होते हैं। तो सवाल ये किया जाता है, इतने डाइवर्स और डिफरेंट टॉपिक से शो की व्यूअरशिप अफेक्ट नहीं होती? नहीं देखो, मुझे समझ नहीं आई बेसिकली इस बात की कि ये सरजनिश है, हमें वार्निंग है, या खराज तहसीन है। अच्छा, कुछ भी हो, चंद चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं होती ज़िंदगी में। सादा सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ज़िंदगी, मुल्क, माशरा सिर्फ सियासत का नाम है? और भी गम है ज़माने में सियासत के सिवा, ये जो निजासत है इसको सामने रख के इससे सनसनी खेजी कशीद करना, स्कैंडलाइजेशन, तीर तुक्के चलाना, लोगों के आसाब से खेलना, ये साफ़त नहीं है, उसका एक जुज़्व तो हो सकता है, टोटल नहीं है। अच्छा, मैंने 30-32 साल पहले जब कॉलम निगारी शुरू की तो मैंने कहा, परवरदगार अपने आप से मैंने कहा कि परवरदगार, ये मैं अहद करता हूँ कि ज़कात सिर्फ माल पर नहीं होती, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने किसी से नहीं सुना, ये मैंने खुद इवॉल्व किया है। ज़कात सिर्फ माल पे नहीं होती, ज़कात आपके काम पे भी होती है। कोई डॉक्टर है, किसी कमज़ोर पेशेंट को देख के वो अपनी उससे फ़ी नहीं लेता, या उसको दवाइयाँ अपने पास से दे देता है, ये होती है अपने काम पे ज़कात। तो मैंने कहा, परवरदगार में चंद मौजूआत पे हर साल, मेरी कोई सुने ना सुने, उनमें सर फहरिस्त मैंने रखा था एजुकेशन, आबादी का बढ़ना,
बल्कि मुझे आज भी याद है, मेरा पहला कॉलम जो खबरें में छपा वो था आबादी आबादी और बर्बादी, ये उन्वान था उसका। अच्छा, अब जिस मुल्क में आबादी बढ़ रही है, अखलाकियात का दिवालिया जनाजा निकल चुका है, मासूम बच्चों ख़वातीन के साथ, वो महफूज नहीं जिस मुल्क में, गलाजत आम है, मिलावट आम है। वो होता है ना, जब आप किसी ऐसी सड़क सड़क पे जाओ तो कई जगह ना बोर्ड आता है कि आहिस्ता चलिए आगे आबादी है। मेरा एक मरहूम दोस्त मुदी कहा करता था, आहिस्ता चलिए आगे गंदगी है। वाह, यहाँ आबादी का मतलब है गंदगी, गलाजत, अफरा तफरी। अच्छा, बूदोबाश, रहन सहन का सलीका, अब यहाँ 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ का घर है, वो अपनी सारे कपड़े बाहर लटकाए होते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं ये, पानी ज़ाया कर रहे होते हैं उनके ड्राइवर्स, किसी को ख्याल नहीं आता, साहब खड़ा होता है ऊपर टेरेस पे। अच्छा, आलम इस्लाम की साइंस से टेक्नोलॉजी से दूरी, तारीख मस करने का, और तुम तारीख, ये इंडिया में झक मार रहे हैं जो मुसलमानों को वहाँ से ना निकालो, और तुम मुसलमानों को तारीख से नहीं, किताबों से निकाल सकते हो, तारीख से नहीं, उन्होंने जितनी देर तुम्हें ठोका ठोका, क्योंकि तुम कमज़ोर थे, वो कमज़ोरी की कीमत है। और एक बात आखिरी याद रखना, व्यूअरशिप पर फोकस या आखिरी बात नहीं, हम जैसे लोगों की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जिंदगी में सबसे घटिया आदमी वो है जो कहता है कि सक्सेस सेट एवरी कॉस्ट, हमारी तो माशाल्लाह व्यूअरशिप भी बहुत है, हम जैसा तो ना शुक्र ही कोई नहीं, अगर हम इस तरह की सनसनीखेजियों में पड़ जाएं और ये काम ना करें, हमारा तो माशाल्लाह। देखो, बहुत से लोगों का तकिया कलाम मरियम आपको जिंदगी में सुनाई देगा, सक्सेस एट एवरी कॉस्ट, नो, सक्सेस नॉट एट एवरी कॉस्ट, कितनी भी खूबसूरत हो कामयाबी, उसकी हर कीमत नहीं दी जा सकती। बिल गेट्स चाहे एक, मैं क्रूर सी मिसाल दे रहा हूं, किसी बर्गर की दुकान से, और वो कह जी ये तो $5,000 का वो देगा, हर कामयाबी की एक कीमत है, वो तो जरूर दो, मेहनत की शक्ल में, काम की शक्ल में, सोच विचार गौर फिक्र की शक्ल में, जो भी करना है, जो भी आपका पेशा है, नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, हर कीमत पे हासिल की गई कामयाबी नाकामी और जिल्लत से भी बुरी होती है। ठीक है, बहुत खूब, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।